आज इनका वक्त तो है, कल इनका भी वक्त तो आएगा संभली का, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये सरकार कब तक चलती, कब तक नहीं चलती, फिर किसकी चाहत और किसकी मजबूरी, घोड़ा मैदान। 5 साल से मालेगांव शहर खंडर हो गया। जो इक्तदार के ऊपर थे वो जितने जिम्मेदार है उतने ही आज शहर के आज के MLA भी उतने जिम्मेदार है। और चाहत और मजबूरी की बात है, हम इनके पास चाहत और मजबूरी लेकर इनके साथ नहीं थे। हमारी चाहत थी ये भी, हमारी मजबूरी नहीं थी। हमारी मजबूरी शेख आसिफ था, जिसको हमको हराना था, हमने उसको हरा दिया। गठबंधन मेरी चाहत है, जरूरत है, क्या जवाब देंगे? असल में बात ऐसी है कि मुफ्ती साहब का जो बयान अभी आया और 2-4 रोज से जो है जनता दल के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, जो मुख्यमंत्री साहब मालेगांव के अंदर आए थे, उसके ऊपर से हिंदुत्व का जो मुद्दा लेकर उन्होंने जो जलसा लिया था, जलसे में इनकी शिरकत हुई। हम मानते हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस शहर के आमदार ने वहाँ पर गए और जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बोले तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर रहते तो महाराष्ट्र का एक राजा होता है, और कोई भी पार्टी कोई भी पक्ष एक किनारे रखकर वो जब अपने शहर में आता है तो उनका इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहिए। जाने का मतलब ये नहीं है कि अगर उनका जलसा है हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर तो अपन ने उसके जलसे के अंदर जाना चाहिए, ये तो एकदम गलत बात है। इसको लेकर 2-4 रोज से जो 8 रोज से जो बातें सामने आ रही है, उसके बाद उत्तर महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है डॉक्टर खालिद परवेश MIM के, उन्होंने बयान दिया, ये सारी चीज़ होने के बाद अगर मुफ्ती साहब ये बोलते हैं कि मेरी चाहत है मेरी मजबूरी नहीं, तो मैं एक बात उनसे पूछना चाहता कि मुफ्ती साहब तुम्हारी चाहत तुम्हारी मजबूरी, जो लोगों ने तुम्हारे साथ गठबंधन के अंदर रहकर तुम्हारा असेंबली का इलेक्शन लड़े, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ दिया और कोई तुम्हारे से मुआवजा न लेते हुए तुम्हारे साथ कड़ी मेहनत करने के बाद जो तुम्हारे साथ आज लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उन्होंने सबसे पहले ये सोचने की उनको ज़रूरत है, जिसके अंदर मैं खुद भी हूँ। मैं ठीक, मैं एक पार्टी का नेशनल पार्टी का एक अध्यक्ष हूँ, वो मेरी बात जाने दो। आज जो उनके पास है वो कम से कम क्यों जा रहा है, इनको सोचने का मुकाम है। और चाहत और मजबूरी की बात है, हम इनके पास चाहत और मजबूरी लेकर इनके साथ नहीं थे। हमारी चाहत थी ये भी, हमारी मजबूरी नहीं थी। हमारी मजबूरी शेख आसिफ था, जिसको हमको हराना था, हमने उसको हरा दिया। अगर ये चाहत और मजबूरी की बात करेंगे तो, और ना चाहत और मजबूरी, सियासत के अंदर चाहत और मजबूरी नहीं चलती। सियासत के अंदर जो काम करेगा वो आगे जाएगा। इन्होंने शहर के लिए, इनके शहर के अंदर इन्होंने हक में कुछ नहीं किया था, इसके लिए उनको हम शहर के लोगों ने गिरा दिए। वो हमारी मेहनत थी और शहर के वोटरों की मेहनत थी, वो अपने घर चले गए। आज 5 साल से मालेगांव शहर खंडर हो गया। जो इक्तदार के ऊपर थे वो जितने जिम्मेदार है उतने ही आज शहर के आज के MLA भी उतने जिम्मेदार है जितना वो हुआ। 2 साल कोविड का शहर के अंदर लोगों ने कुछ नहीं कहा, लोग समझते थे भाई कोविड है, कुछ नहीं बोले लोगों ने। अगर इनके इतने अच्छे मराशी में माननीय शिंदे साहब से, एकनाथ जी शिंदे साहब से, कि जिन्होंने अखबार के अंदर बयान दिया कि भाई मेरा मैंने उनको 4 के पैनल के लिए लेटर दिया था और उन्होंने फौरन 3रे दिन अमल कर लिया उसके ऊपर, कितने बड़े आदमी है मुफ्ती साहब अपने शहर के। तो इनके अगर इतने अच्छे मामला थे, इन्होंने 100 करोड़ रुपया शहर के लिए बजट लाना चाहिए और शहर के जितने रास्ते खराब है सबके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये चाहत और मजबूरी का सौदा नहीं है। हमारी जो चाहत और मजबूरी थी हमने सब खत्म कर दिए। आज 3 साल से उसको हराने के बाद हम 3 साल से तुम्हारे साथ लगे थे। खैर मैं तो आज पार्टी के अंदर नहीं हूँ, अब मुझे उसका बोलने का भी ये नहीं है। बहरहाल इन्होंने सोचना चाहिए कि इतने बड़े लोग जो है काम करने वाले लोग इनके पास से क्यों भाग गए, क्यों चले जा रहे, क्यों इनके खिलाफ बयानबाजी हो रही। ये नहीं चलता उलता, वो चले गए, वो राग पाट का जमाना कि भाई मेरी मजबूरी और मेरी चाहत। ये शहर आप काम को पसंद करता है और काम को पसंद करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से, बयानों से कि चाहत है मजबूरी, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार थे महागठबंधन के जिन्होंने असेंबली का चुनाव जितवाया, तो उसके बाद इस तरह की बातें दिल दुखाने वाली बातें कही जाती ऐसा है। हो सकता है उनको शायद गठबंधन में इनको लेना नहीं होगा, ये इनको बहुत ज़्यादा इनको समझता होगा कि भाई मैं जो करूँगा, एक आदमी की सोच हो जाती है, इनकी भी मुझे लगता है ऐसी सोच हो गई कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं।
असल में इनकी सोच ऐसी भी हो सकती है कि भाई मैं जो करूँगा वही होगा, या तुम इनके दम पे चुन कर आते होंगे, हो सकता है इनके दिमाग में ऐसा होगा महागठबंधन के अंदर अभी जो फिलहाल लोग है तो इनको इनकी ये समझती वो मजबूरी है उनकी, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। कहीं ना कोई कोई चार सीट अगर चुन के लाने वाला दो तो लाएंगा, दो नहीं लाएंगा, एक तो चुन के आएगा। आज इनका वक्त तो है, कल इनका भी वक्त तो आएगा, असम्बली का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये सरकार कब तक चलती कब तक नहीं चलती, फिर किसकी चाहत और किसकी मजबूरी, घोड़ा मैदान आमने सामने रहेगा। इस तरह से ही अगर मौजूदा अकेले का बर्ताव रहा तो करीब ही असम्बली का चुनाव है, कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो क्या आप फिर एक बार मतलब बुलाना आता है आपसे, बातचीत होती है, फिर एक बार गठबंधन बनाना है तो इसको लेकर सोच विचार कर सकते हैं मालेगांव कांग्रेस? मेरा तो ऐसा मामला है कि मेरी पार्टी नेशनल नेशनलिस्ट पार्टी है, मेरे पार्टी के आदेश के मुताबिक मेरा काम होगा। मैं अब मुंबई हम लोगों की अगले हफ्ते गुज़िश्ता इतवार के रोज़ हमारी नासिक के अंदर एक मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे मौजूदा माजी के जो मिनिस्टर थे बाला साहब थोराक जी, महसूल मंत्री वो भी आए थे, और तुम्हारे नाना जी पठोले थे, सबसे उन्होंने पूछे कॉरपोरेशन के इलेक्शन के बारे में किस तरीके से आप लोगों को करना है। और मालेगांव का उसमें नंबर नहीं आया, उनकी ट्रेन 8:30 थी इसके लिए वो निकल गए। उन्होंने कहा कि मालेगांव वालों के लिए मैं स्पेशल टाइम दूंगा और वो हमारे से पूछेंगे, हम यही कहेंगे कि हमको लोकल लेवल के ऊपर हमारे को किससे गठबंधन करने का है, तुम हमारे को ये दो परमिशन दो, हम यही बोलने वाले हैं उनके लिए। हमको जब वो परमिशन दे देंगे उसके बाद हम सोचेंगे हमको किसके साथ रहने का है।